हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एक नए फ्रेश ब्लॉग में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइज, अभी मैं हूँ रायबरेली में और मैं जा रहा हूँ कानपुर, और वहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ जेके टेम्पल। तो काफ़ी अच्छा मंदिर है, तो उसको मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। अभी मैंने गूगल पे सर्च किया, रायबरेली से जो कानपुर का डिस्टेंस है वो लगभग 140 किलोमीटर का है, जो जेके टेम्पल है वहाँ का मैंने डाला था। तो मैं सोच रहा हूँ डायरेक्ट आपको वहीं पर मिलते हैं, मंदिर पे ही। तो गाइस, काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी, लगभग 10 दिन हो गए हैं। तो काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि वीडियो क्यों नहीं आ रही है। तो भाई, लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है, तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं एक बार तो कंटिन्यू वीडियो आने लगेगी, हर दूसरे दिन वीडियो आ जाएगी। तो अभी तो लगभग टाइम लगेगा, लेकिन सही हो जाएगा सब कुछ। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो लगभग सुबह के 10 बज रहे हैं, तो मुझे लगता है लगभग 2 से 3 घंटे, तीन नहीं हो सकता, 3 घंटे में हम लोग पहुंच जाए कानपुर। तो वहां चलेंगे जेके टेम्पल। तो अब डायरेक्ट मिलते हैं आपको कानपुर में जेके टेम्पल पे ही। अभी मैं पहुंच गया हूं जेके टेम्पल के सामने, कितनी ज़्यादा भीड़ है यहां पर। अभी मैं पहुंच गया हूं मंदिर के मेन गेट पर, यही मेन गेट है, वो रोड की तरफ रहता है इसलिए उधर ज़्यादा भीड़ रहती है, मेन गेट यही है। तो गाइज, आज मैं आपको लेकर आया हूं कानपुर में जेके टेम्पल में, जो कि काफ़ी भव्य बना हुआ है ये मंदिर। तो चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको ये पूरा मंदिर दिखाते हैं। गेट से मंदिर का जो रास्ता है वो लगभग 500 मीटर की दूरी पर है, और कितना ज़्यादा अच्छा बनाया गया है। ये है मंदिर, इसकी एक बार आप लोग एक प्यारी सी झलक देखिए, कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। मंदिर के आसपास काफ़ी ज़्यादा हरियाली है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे पौधे लगाए गए हैं। मंदिर के बगल में देखिए, यहाँ पर तालाब की तरह बनाया गया है, काफ़ी अच्छे अच्छे सेल्फी पॉइंट भी हैं यहाँ पर। ये है जेके टेम्पल का साइड व्यू। गाइज, आज का जो मौसम है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि ये जो पत्थर लगा हुआ है इसमें काफ़ी ज़्यादा चमकता है जब धूप होती है, तब इस समय तो बहुत ज़्यादा अच्छी फोटोज़ या वीडियोस क्लियर नहीं आ पा रही हैं। तो अब चल रहे हैं मंदिर के अंदर, और कृष्ण भगवान का ये मंदिर है, काफ़ी अच्छा। तो गाइज, अभी हम लोग मंदिर के अंदर गए थे, मंदिर के अंदर फ़ोन या कैमरा अलाउ नहीं है, तो इसलिए हम आपको अंदर से नहीं दिखा पाए, बाहर से जो कुछ होता है मैं थोड़ा बहुत आपको दिखाता हूँ। इधर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फाउंटेन्स लगे दिखेंगे, लेकिन ये अभी चल नहीं रहा है, शाम को चलता है। यहाँ पर रात में 6 बजे के बाद झांकी चलती है, फाउंटेन में काफ़ी कलरफुल रहता है। आने से पहले मैंने यहाँ के बारे में देखा था तो काफ़ी अच्छा लग रहा था वो। गाइस, इस मंदिर के अंदर आने का कोई भी टिकट चार्ज वगैरह कुछ भी नहीं है। मंदिर के आसपास इतने सारे पौधे लगाए हुए हैं, यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे अच्छे अच्छे पौधे और पेड़ भी लगाए हुए हैं, काफ़ी अच्छा फूल भी लगा हुआ है सामने, देखिए बहुत ज़्यादा हरियाली है, अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो गाइज़, मैं तो कह रहा हूँ अगर आप लोग कानपुर आएँ तो एक बार यहाँ ज़रूर आना। देख रहे हैं लोकेशन कितनी प्यारी है, बहुत ज़्यादा अच्छी लोकेशन है, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया हमको यहाँ पर आके। तो गाइज, अब मैं चल रहा हूँ बाहर, और ये है यहाँ का बाहर जाने का गेट। सो गाइज, वीडियो को करते हैं पर एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।